भाईओ गुड इवनिंग सो आई होप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी राइट ओके तो ऑलरेडी वैसे अनाउंस हम लोग कर चुके हैं पब्लिकली हाँ ये सेशन जो प्लान किया गया है अबाउट द गेट सर्वर इंडस्ट्री में आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा राइट बट जब भी हम गिट की बात करते हैं वैसे गिट एक बीसीएस टूल में कैटेगरी में आता है मैं अभी इसके बारे में टेक्निकल बात करूंगा आपसे अभी राइट right? और गिट का वैसे स्किल सेट डेब्स में आता है आई होप सबने सुना होगा डेबोप्स एक प्रोफाइल का नाम है राइट और उस प्रोफाइल में वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक टूल होता है जो इंडस्ट्री में डिमांड करते हैं हम लोग राइट ना आई मीन डेबॉप्स की प्रोफाइल में एक स्किल सेट आपसे मांगा जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बी सी एस टूल बी सी एस के मार्केट में आते रहते हैं गिट है एस है और भी आते हैं फ्लेवर्स बट ये जो सेशन प्लान हुआ है ना ये गिट के बारे में हुआ है जिसके बाद आप किसी भी बीसीएस पे काम कर सकते हो जैसे एस पे काम करना है या और भी आते हैं फ्लेवर्स कहीं ना कहीं कंसेप्ट चली सबका सेम वर्किंग रहता है राइट फाइव टू सिक्स सेशन का कमिटमेंट हुआ है जो मैं इसमें डिलीवर करूंगा पूरा एंड टू एंड राइट लेकिन आज के सेशन में थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग के दस मिनट के अंदर कुछ बिगनर्स को ये डाउट है कि डेबॉप्स की प्रोफाइल में गिट क्यों आता है राइट right? और थोड़ा सा मुझे पहले आपको 10 मिनट के अंदर ना एक डेबॉप्स का एक इंट्रोडक्शन देना है बस उसके बाद मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट कर पाऊंगा फाइनली ठीक है राइट right. तो अभी फाइनली मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा और बोलना स्टार्ट करता हूँ डेबॉप्स <laughs> के बारे में अभी ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट इतना बोल पा रहा हूँ मैं अभी कि जितने बिगनर्स हैं उनको बस एक बात माइंड में सेट कर लेना है कि आईटी में क्या रहता है प्रोफाइल्स रहती हैं वर्चुअलाइजेशन एडमिन सिस्टम एडमिन राइट क्लाउड इंजीनियर तो इसी तरीके से सिमिलरली अभी टू इयर्स बैक की बात करूं मैं तो टू इयर्स बैक एक, एक प्रोफाइल अनाउंस हुई मार्केट में इसका नाम है डेबॉप्स राइट डेबॉप्स का मतलब अभी भी हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट करना ये हमारे स्किल्स में होना चाहिए ओके इसमें दो वर्ड साइलेंट है वैसे तो एक डेव एक प्लस ऑप्स है लेकिन डेवलपमेंट करना आज भी हमारा प्रोफाइल में नहीं है डेवलपमेंट के साथ में होने वाला ऑपरेशन एक सॉफ्टवेयर को एक 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 आईटी कंपनी चलाने के लिए ऑपरेशन सपोर्ट देना ये आपना अपना प्रोफाइल है बेसिकली टर्म्स ऑफ डेवॉप्स तो डेवलपमेंट ड़व, करना ये प्रोफाइल का पार्ट आज भी नहीं है ठीक है ऑपरेशन में आपका काम होता है इन डेब्स डेव्स की प्रोफाइल पे आने के लिए एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि यूजर सबसे कम से कम पहले तो सिस्टम एडमिन होना चाहिए राइट right? जब तक एक ओएस की आपको नॉलेज नहीं है इस प्रोफाइल पर थोड़ा सा फाइट रहता है हमेशा क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज करने वाले हैं इन ऑपरेशन लाइफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल सी आई सी डी कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्फिगेशन मॉनिटरिंग तो कहीं ना कहीं उनका जो अंडरलाइन ओएस है ना पहले एक ओ का आपको नॉलेज होना चाहिए और इंडस्ट्री में लिनक्स सिस्टम पे हम ज्यादा काम करते हैं आज के टाइम पर तो मेरा ये हमेशा बोलना होता है आप लोगों से कि एटलीस्ट लिनक्स का आपको बेसिक पहले नॉलेज होना चाहिए इस प्रोफाइल पे आने के लिए राइट उसके बाद अगर क्लाउड का बेसिक नॉलेज आपको होता है इस प्रोफाइल पे आने से पहले तो ये बेस्ट रहता है क्योंकि आज के टाइम पे आपको मालूम होगा जितनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सब क्लाउड बेस्ड है डैबॉप की प्रोफाइल में जो जो टूल्स हम यूज़ करते हैं बट मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नाइन्टी परसेंट आज के टाइम पर क्या हो चुका है क्लाउड वेस्ट हो चुका है ऑन प्रेमिस कंपनी कम काम करती है उसमें कॉस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है वो एक, एक अलग ट्रैक है पूरा बात करने का लेकिन ऐसा मानो कि डैबॉप्स की प्रोफाइल में आज के टाइम पर जितनी हायरिंग होती है ना उसमें कोई क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड बेसिक होती है पहले जिसमें आप कोई भी क्लाउड पढ़ सकते हो अमेजन क्लाउड हो गया या अजर क्लाउड हो गया जो आज के टाइम पर थोड़ा क्या है दोनों में कंपटीशन है गूगल भी अभी ग्रो कर रहा है मार्केट में लेकिन अजोर और, और अमेजन ए डब्ल्यू का मार्केट वैल्यू थोड़ा ज्यादा क्या हो गया है ज्यादा हो गया है उसके बाद जो स्किल सेट स्टार्ट होते हैं वो है डैबॉप्स आईटी कंपनी में रन करने के लिए एक आईटी कंपनी में ये वो टेक्नोलॉजी जो होती हैं जो हमें कम से कम अडेप्ट करनी पड़ती हैं और इन टेक्नोलॉजी को जो मैन पावर यूज करती है जो मैन पावर इनको चलाती है ना उस प्रोफाइल का नाम दिया गया क्या डेबॉप्स इंजीनियर राइट right? ऑपरेशन में होने वाला कोई भी काम जो टीम परफॉर्म करेगी एंड टू एंड उसका नाम दिया गया डेवप्स इंजीनियर क्लियर तो एटलीस्ट इस प्रोफाइल डेवप्स की स्टार्टिंग डेवप्स का स्किल सेट यहीं से स्टार्ट होता है और जो, जो ट्रेनिंग आपकी हो रही है ना कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के अंदर हम लोग बीसीएस के बारे में पढ़ेंगे ओनली अभी फिर बाद में अगर प्लान हुआ तो जो रिमेनिंग टूल्स हैं वो भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए ट्रेनिंग प्लान करूंगा ठीक है बीसीएस को क्या है अभी इसी का टॉपिक आगे आने वाला है तो बस अभी मैं सिर्फ पूल का नाम लिख दे रहा हूं कि बीसीएस टूल आपको एटलीस्ट आना चाहिए प्रोफाइल पे आने के लिए उसके बाद डिमांड आती है किसकी सीआईसीडी ये भी एक एक अपने आप में एक टूल है इंडस्ट्री का जो सॉफ्टवेयर टीम इसको यूज करती है कोड लेवल के ऊपर क्या करता है एक्चुअल में ये तो एक अलग फाइट है बट अभी आप ऐसा मानो कि डेवप्स की प्रोफाइल के लिए एक कोई सी आई सी डी टूल इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए जैसे यू वांट टू नो नेम कि कौन सा टूल आप रिकमेंड करते हो तो काफ़ी पॉपुलर टूल है सुना भी आप लोगों को होगा जिसका नाम है जैनकिंस जब बात करते हैं बी के बारे में तो बी के लिए इंडस्ट्री में कंपटीशन तो काफ़ी है लेकिन अभी गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में राइट right. उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन रहती है बिल्ड मैनेजमेंट टूल या इसी को बोल देते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड मैनेजमेंट टूल इस प्रोफाइल पे आने के लिए एटलीस्ट जैसे नेम आपने सुने भी होंगे कभी जैसे मेवन ग्रेडल आंट ये कुछ सॉफ्टवेयर बिल्डिंग टूल्स होते हैं कोई जावा का सॉफ्टवेयर है कोई मेरा डॉट नेट का सॉफ्टवेयर है कोई एंड्रॉय सॉफ्टवेयर है तो उनकी टेस्टिंग वगैरह जो होती है वो हम लोग इनके थ्रू हेल्प से करते हैं राइट right? हाँ इनका रिलेशन कहीं ना कहीं जेनकिस में रहता है आई मीन जेनकिस जब पढ़ते हो आप लोग तो जैन में आपको बिल्ड मैनेजमेंट uh, टूल को इंटीग्रेट करना उनका यूज केस क्या है पढ़ाया जाता है आपको बेसिकली इसकी अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं है जब हम जे पढ़ने जाते हैं ना तो जेनकिस की स्किल्स में क्या होता है मेवन गेडल को हमें अप करना पड़ता है राइट फोर्थ एस्पेक्टेशन जो आज के टाइम पर आई थिंक सबको मालूम होगा एक बेस्ट टेक्नोलॉजी हुई मार्केट में जिसका नाम है कंटेनर वेस्ट वर्चुअलाइजेशन आज के टाइम पर जितने भी वेब सर्वर्स हैं डेटा बेस हैं वो कंटेनाइज हो चुके हैं कंपनी वर्चुअल मशीन से हटके अपने वर्कलोड को दे आर पोर्टिंग इन साइड कम्युनिटी का नाम सुना होगा सो दे अनाउंस देनाउंसनर टेक्नोलॉजी तो एक कंटीन्यूअस टेक्नोलॉजी आपका मीनिंग आपको पहले मालूम होना चाहिए ओके okay? उसके बाद कंटेनर्स टेक्नोलॉजी जब चलती है इंडस्ट्री में तो उसके साथ में हमें एक टूल यूज करना पड़ता है इसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल क्या ऑर्केस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टूल काफी पॉपुलैरिटी आज के टाइम पर ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इसको अडॉप्ट कर चुकी है जिसका नाम क्या है क्यूबरनेटी क्यूबरनेटी सेपरेट इंडस्ट्री में रन नहीं होता इसका यूज केस कंटेनर्स के साथ में आता है कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी को मैनेज कराने के लिए उसकी हाई अवेलेबिलिटी वगैरह जो बात करते हैं हम लोग तो वो क्यूबनिटी से हो रही है मैनेज तो दोनों कहीं ना कहीं एक साथ चलते हैं राइट जो फिफ्थ नंबर का स्किल सेट है इन डेवॉप्स कंपल्सरी आपको आना चाहिए आज के टाइम पर ऑपरेशन ऑपरेशन सपोर्ट देने के लिए ठीक है उसके बाद एक ट्रेनिंग मैंने डिलीवर किया था ऑन कॉन्फ़िगरेशन टूल वो भी डेब्स की प्रोफाइल का पार्ट था जिसमें एनसी आज के टाइम पर पॉपुलर ज़्यादा हो गया है राइट और भी टूल्स आते हैं पपेट सेफ है बट उनका मार्केट वैल्यू इतना नहीं है अभी जितना एनसी का है तो हाईली जो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा इन कॉन्फिगेशन टूल एनसी आपको आना चाहिए उसके बाद जब बात करते हैं मॉनिटरिंग की तो मॉनिटरिंग में जनरली दो मॉनिटरिंग टूल एटलीस्ट आपको आने चाहिए वन इज द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग और सेकंड इज द एप्लीकेशन मॉनिटरिंग बहुत टूल मार्केट में अवेलेबल हैं बट जनरली मैं बिगनर्स के बिगनर से हमेशा बोलता हूं कि या तो आप नैग पढ़ सकते हो या एक नैग से भी स्मार्ट टूल अभी मार्केट में अनाउंस हुआ है जेविक्स जेविक्स में दोनों अंडरस्टैंडिंग होती है वैसे एप्लीकेशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग तो आज के टाइम पर जैविक का मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो गया है

कहीं कही एक टूल आज और पढ़ने वाले हम लोग गिट के बारे में तो डावॉप्स के ट्रैक पे आप चल रहे हो उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने दो टेक्नोलॉजी को बाइंड अप कर लिया है एक एनसीबल और गिट अभी कवर होने वाला है उसके बाद रिमेनिंग आपको जो रिमाइंड टेक्नोलॉजी उसको बाइंड अप करना होगा डेब्स इंजीनियर राइट तो फाइनली इस बात से प्रूफ होता है कि डेबॉप्स कोई कोर्स का नाम नहीं है डेबॉप जस्ट एक प्रोफाइल का नाम है उस प्रोफाइल पे आने के लिए आर सम टेक्नोलॉजी जो आई टी कंपनी हैं और उस आई टी कंपनी में जो मेन पावर होती है ना उस मेन पावर को सिस्टम एडमिन ना बोल के एक डेडिकेट नाम दिया गया है डेब्स इंजीनियर राइट होने वाली ऑपरेशन सपोर्ट को जो मैन पावर देखेगी एंड टू एंड एक ही स्किल सेट में एक ही बंदे के अंदर राइट तो आई टी कंपनियों ने थोड़ा सा स्किल पर काम करने के लिए सिस्टम एडमिन की जो प्रोफाइल है ना उसको आगे मूव कर दिया है, कि बंदा L1, L2, वाला बंदा है नहीं करना वी आर प्लानिंग एक ऐसी मैन पावर लेके आओ जिसके स्किल्स में हमारा एंड टू एंड ऑपरेशन होना चाहिए तो ये वर्ड मार्केट में क्या हुआ था अनाउंस हुआ था डेव्स इंजीनियर इसने कहीं ना कहीं वो प्लेस ले लिया जो पहले सिस्टम एडमिन का वर्ड था पहले आज आप बोलते भी हो भी होगी सर सिस्टम एडमिन की हायरिंग बहुत कम होती है इंडस्ट्री में उसका रीजन ये भी है क्योंकि सिस्टम एडमिन से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते सिस्टम एडमिन का मतलब होता है कि वो बंदा सिर्फ लिनक सिस्टम पर काम करेगा सिस्टम के ऊपर कोई काम आना है तो बंदा कर देगा लेकिन जब डिमांड करते हो टेक्नोलॉजीज की तो सिस्टम एडमिन की स्किल्स में ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है फिर राइट right? तो दैट इज वाई वी अनाउंस समथिंग न्यू प्रोफाइल जिसमें वी आर गेटिंग हाई स्किल्स सिस्टम एडमिन तो बंदा कम से कम होना ही चाहिए देखो डेडिकेटली हम उस प्रोफाइल के लिए कुछ अलग से पे नहीं कर रहे हैं आपको वी आर पेइंग फॉर ओनली डेव्स पहले क्या था इतने पैकेज में ओनली वी आर हायरिंग सिस्टम एडमिन आज क्या हो पा रहा है सेम पैकेज के अंदर सिस्टम एडमिन तो हमें कम से कम मिल ही रहा है क्योंकि इस प्रोफाइल पे आने के लिए विदाउट सिस्टम एडमिन आप काम नहीं कर सकते बट कंपनी डेब्स का बंदा कंसीडर करेगी आपको सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल के अलग से करने वाली नहीं है तो आई होप ये मैंने आपको दस मिनट के अंदर बेसिक एक एक आइडिया दे दिया है कि डेबोप्स की प्रोफाइल में क्या क्या, क्या स्किल सेट होते हैं इस प्रोफाइल पर क्या क्या हमको आना चाहिए इस प्रोफाइल का मतलब क्या है राइट right. अभी मैं बात करूंगा कि इंडस्ट्री में बी सी एस टूल अडेप्ट क्यों किया गया क्या इसकी नीड थी देखो ऐसा भी कभी मत बोलना कि डेबॉप्स के आने के बाद ही टेक्नोलॉजी मार्केट में आई थी डेबॉप्स टेक्नोलॉजी लेके नहीं आया है टेक्नोलॉजी तो इंडिविजुअली पहले भी हम यूज करते थे लेकिन इनकी जो मेन पावर थी ना उसको हायरिंग करने का जो तरीका था वो सिस्टम एडमिन था हमारे पास पास तो आज खाली क्या हो गया है टेक्नोलॉजी लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है ऐसा नहीं है गिट आज के टाइम गिट मार्केट में बहुत पुराना टूल है जैनकिस भी डेबॉप्स ट्रम्प से पहले अनाउंस हो चुका है मार्केट में हाँ कंटेनर एक नई टेक्नोलॉजी मान सकता हूँ मैं और एन बल्ब भी एक नई टेक्नोलॉजी है कॉन्फिग्रेशन टूल तो पहले भी थे हमारे पास सो आई मीन डैबॉप्स ये कहता है कि मैं कोई कोर्स का नाम नहीं हूं मैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं हूं मैं सिर्फ प्रोफाइल हूं राइट right? तो थोड़ा स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए कंपनीज ने उस प्रोफाइल को चेंज कर दिया है बस दैट इज कॉल्ड डैबॉप्स इंजीनियर तो ये आई होप समझ में आपको आया होगा जो डिस्कस किया है मैंने अब फाइनली इसके बाद हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अबाउट द गिट कंपनी कोई भी हो डेवस पे काम करती है कि नहीं करती है टेक्नोलॉजी की डिमांड सबको होती है तो पहले ये फाइट करेंगे हम लोग अभी कि सर ये BCS जिस कंपनी में अवेलेबल नहीं है अगर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी क्या डिफिकल्टी है कि उस कंपनी के पास बी टूल अवेलेबल टू नहीं है तो ये ये प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे इसको बोलते क्या है हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम राइट कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है बी मार्केट में एक टर्म्स और है बेरिटास क्लस्टर सर्वर तो ये वो वी नहीं है इसका मीनिंग एकदम सेपरेट है वो एक क्लस्टरिंग सर्विस है प्रोवाइड बाई सीमेंट टैक वो अलग चीज़ है ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम अलग चीज़ है बेसिकली तो दोनों को आप आपस में रिलेट मत करना वी आर नॉट लर्निंग वाइटास क्लस्टर वी आर लर्निंग वी टूल ठीक है बी के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि बी इट अलाउ टू मैनेज डेवलपर चेंजेस सर डेवलपर के चेंजेस को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमें अडेप्ट करनी पड़ती है तो डेवलपर्स की लाइफ में जब डेवलपमेंट होता है डेवलपर्स दे मेक डेवलपमेंट तो उनके लाइफ में क्या डिफिकल्टी होती है विदाउट बीसीएस पहले वो समझा दो एक बार देन वी विल स्टार्ट फर्दर तो एक पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं विदाउट बीसीएस की डेवलपर की लाइफ में क्या डिफिकल्टी आती है जैसे सपोज करना मैं एक डेवलपर हूं आप एक डेवलपर हूँ हमें एक प्रोजेक्ट में अलाइन कर दिया गया कि आपको एक जावा का प्रोजेक्ट है कोई भी या कोई डॉट नेट का प्रोजेक्ट है उसमें ये डेवलपमेंट करके देना है डे वन से काम स्टार्ट हो गया कुछ वर्क मुझे मिला कुछ वर्क आपको मिला वी आर वर्किंग ऑन सिंगल प्रोजेक्ट बट काम को डिवाइड करके दिया गया था मैंने दो फाइल डेवलपमेंट की और आज मैंने अपना कोर्स सबमिट कर दिया और आपने भी दो फाइल डेवलप की आपने कोर्ट सबमिट कर दिया डे वन के अंदर डे वन में दो जो चेंज आए थे वो करेक्ट थे मेरा आपका चेंजेस जब उसकी टेस्टिंग हुई सो नो देबिलिटी उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी कोड प्रोडक्शन लाइक हो गया चलने लायक कोड है डे वन के बाद डे टू आया फिर से मैंने कोड चेंज किया एज पर रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट मुझे मिलती डेली फिर मैं कोड चेंज करता हूँ फिर आपने कोड चेंज किया और कोड सबमिट कर दिया कोड सबमिट किया गया पहला फाइल वहां से हटा दिया गया राइट नए फाइल हमने भेज दी उनको कि भाई देखो कोड यहाँ पहुंच चुका है अब इसको तुम डिप्लॉय कर सकते हो तो ऐसे क्या हुआ दो दिन कोड ठीक चला तीन दिन मेरे चेंजेस ठीक थे लेकिन फोर्थ डे क्या हुआ कुछ मुझसे कोड में लाइन लिखा मैंने एज पर माई नॉलेज बट वो लाइन जो है ना एज पर दी डिमांड गलत है वो लाइन जब उसकी टेस्टिंग हुई तो कोड फट गया मेरा राइट और मुझे मेल आ गया कि लास्ट चेंज वाज नॉट स्टेबल जो आपने लास्ट चेंज किया था वो स्टेबल नहीं है अब कोड को रिसेट कर दो आई I मीन mean, अपने गलत चेंजेस को कोड से निकाल दो लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे पास मुझे खुद नहीं पता कि मैंने यार आज फोर्थ डे हमने कितनी लाइन कोड में मॉडिफाई की थी कितने नए पेज ऐड किए थे और कितनी एग्जिस्टिंग लाइनों में ऐड किया था हमने कुछ पैरामीटर हमारे पास कोई रिस्टोर पॉइंट तो कोड कोई था नहीं कोड का बेसिकली अब क्या तरीका है हम कैसे मालूम करें कि थर्ड डे दिन तक कोड में हमने क्या लिखा था मेरा कोड आज का जो है कुछ फाइल भी एड की कोड में कुछ लाइनों में मोडिफिकेशन किया गया था बट देर इज देर इज नो रिस्टोर पॉइंट हमें पता ही नहीं है कि कोड हमें कहां से कौन सी लाइन निकालनी है जो आज एड की थी हमने इसका फिर तरीका क्या है पूरा दिन आप क्या करो फिर डे वन से लेके दोबारा से कोड को रिव्यू करना स्टार्ट कर दो कि ये लाइन ठीक थी क्या ये लाइन अपडेट थी प्रॉपर तो आपने क्या किया फोर्थ डे जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को रिव्यू करने के लिए आपने दो दिन स्पेंड और कर दिए फर्दर फोर्थ डे की मिस्टेक को एनालाइज करने के लिए आपने दो दिन स्पेंड और कर दिए तब जाके मालूम चला कि अच्छा ये तीन लाइन जो थी ना इसकी वजह से कोड फटा इस तीन लाइन को निकाल देते हैं तो कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा वापस राइट इससे क्या हुआ इससे सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोडक्ट विडी जिसको बोलते हो आप लोग वो आपकी स्लो हो गई अपने आप लैक ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया आप लोगों ने मैनुअल जा जा जाके काम करना स्टार्ट कर दिया चीजों को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया समथिंग लाइक स्टक फिर आप चीजों को देखते हो तो जितना टाइम बनाने में दिया आपने चार दिन उसके बाद आपने दो दिन का जो कॉस्टिंग है ना वो सिर्फ कोड को रिव्यू करने में दे दिया आपने जो कोई भी कंपनी इस तरह का अलाउ नहीं करती है प्रोडक्ट डिलीवरी थर्टी फाइव डेज में होना था उसको फोर्टी फाइव डेज लगे बेसिकली क्योंकि दस दिन क्या था लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है दे मेक द चेंज वेन दे मेक मिस्टेक तो फिर वो चीज को रिव्यू करने में स्पेंड करते हैं टाइम सो वी आर लुकिंग डेवलपर की डिमांड आई कि हमारे लिए कुछ ऐसा इंप्लीमेंट करके दे दो जिस टेक्नोलॉजी में कोड को एनालाइज करने का ट्रैक करने का फंक्शन हमको मिल जाए ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाए हमको ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आज हमने क्या लिखा कल हमने क्या लिखा राइट थर्ड डे हमने क्या लिखा वी शुड है रिस्टोर पॉइंट हमारे पास चीजों को रिस्टोर करने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए वी आर लुकिंग समथिंग टेक्नोलॉजी जिसमें डेवलपर अपने कोड को रिसेट पॉइंट रिस्टोर पॉइंट बना पाए ट्रैक कर पाए कब किसमें किस टाइम पर किस डेट को मैंने क्या चेंज किया था जिससे बेनिफिट क्या होगा विद इन सेकेंड में जब मुझे लगा कि यार थर्ड डे तक कोड ठीक था फोर्थ डे मैंने कुछ ऐसी गलती की है जैसे मेरा डेवलपमेंट क्या हो गया सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन हो गया तो क्यों ना मैं एक काम करूं फटाफट से जल्दी से मैं बीसीएस को बोलूं बीसीएस मुझे वो लाइन निकाल के दिखा दो फटाफट से जो मैंने फोर्थ डे चेंज की थी इसके अंदर तो फास्टली हमारा रिव्यू सिस्टम क्या हो गया बहुत ज्यादा फास्ट हो गया जल्दी से डेवलपर दे फाइंड आउट द प्रॉब्लम अगेन दे मेक द चेंज दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम और दे कैन कमिट तो डेवलपर की लाइफ बहुत ईजी हो गई इंटरप्राइज कंपनियों में होने वाले डेवलपमेंट इंटरप्राइज लेवल पे होने वाले डेवलपमेंट में जो रिव्यू सिस्टम का टाइम था ना वो हमने बचाया थ्रू बीसीएस के थ्रू पहला बेनिफिट दूसरा बेनिफिट क्या मिला हम लोगों को कि जब बीसीएस टेक्नोलॉजी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल नहीं थी

मल्टीपल बंदे एक प्रोजेक्ट में काम करते थे तो वहां पर हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि यार किसने कोड में चेंज किया है किसके ऊपर हम लोग प्यारी रेस करें कंपनी क्विट करना है आप लोगों को आपने कोड ब्रेक कर दिया फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं हम लोग आज क्या होता है लेकिन नहीं इन बी इन अ प्रोजेक्ट इन अ रेपोजेटरी जब मल्टीपल टीम काम करती है एक साथ तो रेपोजेटरी का जो होता है मेंटेनर वो मालूम कर लेता है कि यार थर्ड डे चेंज आया था इस चेंज का ऑनरशिप किसके पास थी मेड द चेंज वेन कब किस टाइम पर किसने चेंज किया हम उस यूजर को भी ट्रैक कर सकते हैं जिसके आईडी से चेंज किया हुआ है रेपो के अंदर एड हुआ है तो यूजर स्पेसिफिक होने वाली मिस्टेक राइट चेंजेस को ट्रैक करना चेंजेस को रिसट करना यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी डेवलपर की लाइफ में जो पहले अवेलेबल नहीं थी सो दीज आर देनिफिट विच प्रोवाइड बाई बी सी एस टेक्नोलॉजी आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा कि बी को डेवलपर की लाइफ में हमने क्यों अडेप्ट करके दिया सर हमारा रोल क्या है लेकिन इसके अंदर आप बता रहे हो कि वी आर ऑपरेशन इंजीनियर और बी को डेवलपर यूज करते हैं एट द एंड बी सी टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले डेवलपमेंट डेवलपर ही होते हैं लेकिन आपका काम है ऑपरेशन में बी को इम्प्लीमेंट करके देना बी में डेली के बैकअप लेना रेपोजेटरी साइनअप करना यूजर को एक्सेस देना डेवलपर को कोई कोई प्रॉब्लम आ रही है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो काइंड ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट आपको देनी होती है टूल के ऊपर क्योंकि इसको 90 परसेंट यूज तो डेवलपर ही करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए सेंट कोड को ट्रैक करने के लिए दे यूज दिस टेक्नोलॉजी बट दे डोंट नो हाउ टू अप बी राइट हाउ टू साइन अप द रेपोजेट्री हाँ आज के टाइम पर डेवलपर को भी ये स्किल्स आ गए हैं लेकिन डेवस की प्रोफाइल में ये एक्सपेक्टेशन आपसे होती है इन ऑपरेशन टीम कि बीसीएस को पूरा इम्प्लीमेंट करके देना उसका पूरा मैनेजमेंट बैकअप प्लानिंग प्लानिंग सब कुछ आप करके देते हो इन प्रोफाइल तो इस कोर्स में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पूरा BCS का ऑपरेशन राइट right? और एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी कोड कमिट करूंगा मैं भी कोड को चेंज करूंगा और वी विल सी ट्रैकिंग कि किसने कोड चेंज किया तो जिससे कभी इंडस्ट्री में आपको भी बीसीएस को यूज करना पड़े इन ऑपरेशन इंजीनियर तो आप भी कर सकते हो इसको बी के ऊपर जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेवलपर ही कोड डाल सकते हैं सर मेरा भी अपना कोई स्क्रिप्टिंग फाइल्स हैं मेरी भी अपनी एनसीवल की प्ले बुक्स हैं उनमें कंटिन्यूस चेंज होता रहता है तो ऑपरेशन वाले बंदे भी अपने कंटेंट को रखने के लिए बी का यूज कर सकते हैं नॉट किन डेवलपर इसको यूज करते हैं एनी काइंड ऑफ चेंजेस चेंजेस की जब बात आती है कि मेरा कोई फाइल है कोई मेरी स्क्रिप्टिंग है इसमें चेंज होते रहते हैं चेंजेस को वी वॉन्ट ट्रैक तो ऐसे डेटा को एवरी कंपनी दे सेंट्रलाइज ओवर द सी सर्वर राइट right. फिर भी बीसीएस का मीनिंग और आपको समझना ठीक तरीके से तो आप लोगों ने सुना होगा इन वर्चुलाइजेशन वर्चुअलाइजेशन में एक कंसेप्ट आया था वर्चुलाइजेशन सॉरी स्नैपशॉट। एक टर्म्स होता है स्नैपशॉट स्नैपशॉट वर्चुअलाइजेशन की लाइफ में अगर, अगर अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है कि सर बिना स्नैपशॉट की प्रॉब्लम ये होती है जैसे मेरे पास कोई सर्वर है अगर ये मेरे पास एक सर्वर है और मुझे इसके ऊपर कोई पैचिंग करना है या कुछ अपडेट डालना है इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर अपडेट डाला अपडेट की वजह से सिस्टम क्रैश कर गया अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है या तो सर्वर्स का तुमने पूरा फुल क्लोन बैकअप लिया होता दो टेरा वाइट का सर्वर था सर अब उसका बैकअप रखना बहुत टाइम लेंदी प्रोसेस था सर्वर करप्ट हो गया बट वी वॉन्ट रीसेट मैं यार अपने चेंजेस को अंडू करना चाहता हूँ लास्ट अपडेट में जो चेंज सिस्टम में आए थे उसको मेमोरी से निकाल दो और मेरे सर्वर को प्रीवियस स्टेट में रिकवर कर दो ये डिमांड आपकी आ गई सो यू आर लुकिंग लॉजिकल रिस्टोर पॉइंट स्नैपशॉट में कभी भी सिस्टम का पूरा क्लोन नहीं बनता है स्नैपशॉट सिर्फ करता क्या सिस्टम की मेमोरी पॉइंटर का बैकअप होता है बस किसी स्टेट का बैकअप होता है नॉट हार्ड बैकअप राइट right? बैकअप दो टाइप के होते हैं एक तो लॉजिकल बैकअप कॉल्ड स्नैपशॉट और एक होता है लॉजिकल भी, भी, भी आते रहते हैं, हैं तो वो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वर्चुअलाइजेशन में जो काम स्नैपशॉट करता है इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन समथिंग गॉट कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आई सिस्टम के ऊपर जिस प्रॉब्लम को आप एवॉड करना चाहते हो यू वॉन्ट स्किप कि ये चेंज को निकाल दो और मेरे सर्वर को प्रीवियस मोड में रिकवर कर दो तो स्नैपशॉट प्रोवाइड री लॉजिकल पॉइंट ऑफ योर एनी मशीन तो कहीं ना कहीं वर्जन कंट्रोल सिस्टम का भी मतलब क्या होता है इट प्रोवाइड री स्टोर पॉइंट ऑफ योर डेवलपर चेंजेस फोल्डर में रेपोजेट्री में होने वाले चेंजेस के लिए वी आर लुकिंग री स्टोर पॉइंट लाइक द स्नैपशॉट तो स्नैपशॉट वाला फीचर प्रोवाइड बाई बीसीवल राइट तो ये बीसीएस को स्नैपशॉट के साथ में बीसीएस के तो और भी और बेनिफिट होते हैं ट्रैकिंग वगैरह भी कर सकते हैं बट मैंने एक हल्का सा एग्जाम्पल दे दिया है कि स्नैपशॉट का जो मतलब था वही मतलब कहीं ना कहीं बी आर लुकिंग द बीसीएस टूल तो फाइनली ये था क्या उट दी बीसीडवांज मार्केट बीसीएस क्यों आया फिर थोड़ा सा मैं जब इन इनडेप बात करता हूं थ्योरी पार्ट में और तो बी मार्केट में दो टाइप के आते हैं हमेशा कुछ बी सी टूल आते हैं जो दे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर क्या दे ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर और कुछ टूल मार्केट में आते हैं दे वर्स ऑन सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर जैसे अभी दोनों में क्या डिफरेंट है ये तो मैं कुछ टाइम के बाद बात करूंगा बट आपकी ट्रेनिंग जो हो रही है ना उसका नाम गिट है तो गिट का जो मार्केट में जो आर्किटेक्चर है जो लोग जानते हैं इसको गिट इज इस द गिट इज एन ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल क्या बोलते हैं गिट इज एन ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल विच वर्क ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर एक टूल और आपने सुना होगा काफी लोगों ने जिसका नेम क्या है एस बी एन एस बी एन भी क्या अपने आप में बीसीएस का फ्लेवर है ऐसा बोल सकते हो आप लोग जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इसका वर्किंग ऐसा है सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर राइट दोनों में क्या डिफरेंट होता है डिस्ट्रीब्यूट में क्या फर्क है थोड़ा सा मुझे टाइम दो अभी क्योंकि पहले समझते हैं कुछ टर्मोलॉजी पढ़ते हैं पहले गिट के बारे में तब मैं प्रैक्टिकल दिखा पाऊंगा देखो ये सेंट्रलाइज का बेनिफिट है और ये डिस्ट्रीब्यूट का बेनिफिट है राइट right? ओके okay. <laughs> तो ये बात हुई क्या पहले आर्किटेक्चर कितने टाइप के मार्केट में अवेलेबल है सो so फाइनली अभी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है गिट के बारे में हो रही है क्या आपने आप में किए गिट इज एन ओपन सोर्स बी सी एस टूल विच वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सब मैंने कहीं नोट किया हुआ है तो जल्दी जल्दी से मैं कोई आपसे बोले गेट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ इसके बारे में मुझे अगर बोलना है रिटिन तो मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूं। राइट सो आई होप ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो गिट के बारे में नोट करके दिए हुए हैं आपको क्या लिखा है इसके बारे में देखना फर्स्ट सबसे पहले पहला पॉइंट गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड रिवीजन कंट्रोल सिस्टम्स काफी लोग इसको वर्जन वर्जन बोल देते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल या बोलते हैं रिवीजन कंट्रोल सिस्टम टूल सो बोथ आर सेम थिंग रिवीजन का मतलब ही वर्जन ही होता है राइट दैट अलाउ डेवलपर टू मैनेज चेंजेस देयर फाइल एक प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट होना है या कोई फाइल राइट होनी बार बार उसमें चेंजेस होने रहते हैं तो उन चेंजेस को ट्रैक करने के लिए रीसेट करने के लिए वी आर लुकिंग यानी गिट कहता है मैं ये सब काम कर लेता हूँ जो आपकी डिमांड है मेरे और भी बेनिफिट होते हैं पहला बेनिफिट जब बी सी एस में काम करते हैं तो एक लाइन बोल रहा है ईच चेंज इज कमिटेड विद अ लॉग मैसेज कमिटेड का मतलब आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी इतना सुन लो जब जब मैं इस ट्रेनिंग में कमिट नाम का वर्ड बोलूं कमिट बोलूँ कमिटेड रिस्टोर पॉइंट कमिट का मतलब जैसे आप बोलते हो कि ये मेरे स्नैपशॉट होते हैं किसी मशीन का यू बेसिकली क्रिएट स्नैपशॉट स्नैपशॉट वन स्नैपशॉट टू स्नैपशॉट थ्री स्नैपशॉट फोर तो हम जब रेपोलेटरी में काम करते हैं गिट के अंदर और वेन वी कमिटेड जैसे मेरा को आज का काम खत्म हो गया मेरे चेंज खत्म हो गए मुझे कोड भेजना है अब उस रिस्टोर पॉइंट को टेक्निकल कॉल कमिट आई डी कमिट ये मेरा है. इसका मतलब उसको एक बेनिफिट हो जाता है आप लोगों को जब कोड कमिट करते हैं तो कमिट करते टाइम पर वी हैव दू पास एनी मैसेज मैसेज देने से बेनिफिट ये हो जाता है कि एक सीड प्रोजेक्ट में पचास डेवलपर काम कर रहे थे वो वो डेवलपर तुमसे बिना टॉक किए डायरेक्टली वो मालूम कर सकता है कि यार लास्ट लास्ट वन आवर पहले ये कोड में क्या चेंज हुआ था तो हर कमिट आईडी में क्या रहता है वर्ज, वर्जन में क्या रहता है डेवलपर दे पास द मैसेज कि यार वाई यू आ, कमिट हेयर तो एक जस्ट काइंड ऑफ कोई भी मैसेज आप पास कर सकते हो जब मैं कोड कमिट करूंगा गिट के अंदर तो वहां भी मुझे कोई काइंड ऑफ रीजन की क्या रीजन है इसमें क्या लिखा है तो आप लोगों ने तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लोग पास करके चलते हो मैसेज का मतलब बता रहा है कि दिस अलाउ द डेवलपर टू डिक्लेयर वाई चेंज वाज मेड ये इसका बेनिफिट बता रहा है पहला फिर बोल रहा है कि बीसीएस के आने से गिट के आने से बेनिफिट क्या हुआ फाइल कैन बी रोल बैक टू एन अर्लियर वर्जन जो मैं आपसे बोलता आ रहा हूं कि जब भी आपको लगे कि यार ये चेंजेस माइट भी गलत हैं मुझे इसको प्रीवियस पॉइंट पे ले जाना उठा के तो आप एक कमांड से सिंगल कमांड से ये नहीं कि आप जाके मैन्युअली फाइल में से लाइन को हटाओगे डिलीट करोगे दो लाइन कल तीन या चार लाइन थी याद करोगे नहीं आप सिंपल क्या करो प्रीवियस आईडी को उठाओ और एक सिंगल कमांड से अपने नए चेंजेस को रिसट कर सकते हो तो बता रहा कि फाइल कैन बी रोल बैक का मतलब पुरानी पुराने वर्जन पे फाइल को ले जाना है तो बहुत ईजी हो गया टाइम को वेस्ट किए बिना हम फाइल को रोल बैक कर सकते हैं दिस इज यूजफुल इसका एक फायदा और है बोल रहा है कुछ कुछ फाइल हमसे इंसिडेंट आया कुछ फाइल लॉस हो गई या कोई लाइन हमसे जान बुझ के फाइल से डिलीट हो गई वाई मिस्टेक लाइन हमसे फाइल से डिलीट हो गई है तो बता रहे कोई टेंशन नहीं है अगर फाइल आपकी रेपोलेटरी में होगी कमिटमेंट में तो उसको हम लोग रिकवर कर सकते हैं रोल बैक कर सकते हैं समथिंग लॉस्ट तो हम उसको भी रिकवर कर सकते हैं वाया वीसीएस टूल ठीक है तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि फाइल चेंजेस बिटवीन कमिट कैन बी डिस्प्ले हिस्ट्री ऑफ चेंजेस ये सब बातें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सो आई होप ये जितने पॉइंट हैं कोई ऐसा नया पॉइंट है नहीं जो मैंने इसमें डिफाइन ना किया हो तो थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट को स्किप कर दे रहा हूँ और ये सब बातें मैं बोल चुका हूँ आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट के बारे में ये सब benefits हैं गेट के बारे में जो मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया है एक बात और बोल रहा है कि सिस्टम आल्सो रिकॉर्ड हु मेक द चेंज जैसे भाई बता रहा था मैं आपको कि एक रेपोजेट्री में दस बंदे काम करेंगे अगर तो ट्रैक को कोड में कब किसने क्या चेंज किया जिससे हम लोग बंदे पे ब्लेम कर सकते हैं कि ये जो चेंज था आपके थ्रू हुआ था इसका क्या रीजन है इसे प्रूफ करके दो आप तो इसकी वजह से कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता जान के बंदा कोई गलती नहीं करेगा राइट सो दीज आर वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल या गिट राइट right. उसके बाद इस ट्रेनिंग को पढ़ने के लिए या कोई भी बंदा बी में काम करना चाहता है या गिट में काम करना चाहता है तो ये कुछ मेजर की पॉइंट्स होते हैं जो एटलीस्ट आपको पहले मालूम होना चाहिए राइट right? क्या क्या जैसे सबसे पहला टर्म्स जब भी हम गिट में काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर इंडिया प्रोफाइल तो काफी टाइम बोला जाता है सर ये गिट ये सर्वर है ये गिट क्लाइंट है राइट कनेक्शन गिट के साथ में कनेक्शन बिल्डअप करो राइट right? कनेक्शन का मतलब क्या होता है ये गिट रेपोजेटरी है ओके गिट कमिट है गिट ब्रांच कभी जब हम टर्म्स बोलते हैं ये डेटा स्टेजिंग स्टेजिंग के अंदर पड़ा हुआ है या डेटा नॉन स्टेजिंग के अंदर रखा हुआ है इनका मतलब क्या होता है तो ये मेजर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जनरली हम लोग गिट में जब काम करते हैं प्रोडक्शन के अंदर तो ये सिक्स टू सेवन टर्म्स हम लोग जनरली यूज करते रहते हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी से प्रैक्टिकल कराऊंगा सबके बारे में लेकिन अभी एक एक लाइन का मीनिंग समझा दे रहा हूं राइट सर्वर हम किसको बोलते हैं गिट सर्वर का मतलब ये होता है जैसे मैं और आप डेवलपर हैं हमारा अपना एक लैपटॉप होगा जिसको बोलते हैं वर्क स्टेशन नोड, वहाँ बैठ के डेवलपमेंट करते रहते हैं बट हमें डेवलपमेंट करने के बाद फिर हमें कहीं कोड सबमिट करना पड़ता है तो हम जहाँ कोड सबमिट करते हैं ना वो सर्वर के ऊपर भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड है आई I मीन mean उस पर गिट इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर और हम अपने ट्रैक अपने रिकॉर्ड को उनको सबमिट करके दे रहे हैं यानी कंपनी में जो टेस्टर बंदे बैठे हुए हैं जो मेरा कोड टेस्टिंग करते हैं बैठ के वो हमको फोन नहीं करते कि अपना कोड पेन ड्राइव में पेन ड्राइव के अंदर भेज दो या जो भी है नहीं उन्होंने हमारे लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के दे दिया है कि यार ये हमारा सर्वर है और इसमें ये आपका अकाउंट होगा इस अकाउंट से इस आई पासवर्ड से अपना कोड शाम को जब काम खत्म हो जाए तो एट द एंड अपना कोड सबमिट कर देना तो फाइनली जो डेवलपर्स डेली लैपटॉप में काम करते हैं और काम करने के बाद जब ऐट द एंड काम खत्म हो जाता है सो दे नीड टू शेयर द कोड कि क्या लिखा बाद में कोड फर्दर बिल्ड होता है फिर टेस्टिंग होती है कोड की आगे चल के वाया मल्टीपल टूल्स तो जिस सिस्टम पर वी आर पोसिंग द कोड उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग क्या गिट सर्वर राइट आई होप समझ में आया होगा जैसे मेरी कंपनी में ये सर्वर है सर और ये डेवलपर के लैपटॉप होते हैं ये डेवलपमेंट यहाँ से बैठ करते रहते हैं बैठ के ये जावा पर काम कर रहा है ये पी लिख रहा है कोड के अंदर ये डॉट नेट लिख रहा है जो भी है और फाइनली उनको हमने इसका दिया यू आर एल जब को काम खत्म हो जाए तो अपना कोड यहां सबमिट कर देना तो इन के रेस्पेक्टिव ये सिस्टम जो बनाना ये आपका बना गिट सर्वर राइट right? और जिस सिस्टम से बैठ के कोड लिख रहे हैं ये लोग उस सिस्टम को बोलते हैं गिट क्लाइंट क्या बोल देते हैं गिट क्लाइंट तो क्लाइंट सर्वर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है नथिंग इज जो लैपटॉप में कोड लिखा जा रहा है उसको गेट क्लाइंट बोल देते हैं और जहां कोड को सबमिट कर देते हैं हम लोग वहां भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसको हम बोल देते हैं सर्वर अब ये सर्वर क्या है ना मार्केट में दो टाइप के होते हैं लेकिन एक होते हैं क्लाउड बेस्ड या मैं इनको बोलता हूँ कम्युनिटी बेस्ड या क्लाउड होस्टेड और एक होते हैं कंपनी बेस्ड या यूजर स्पेसिफिक बोल दो या ऑन प्रेमसिस बोल दो इसको राइट कम्युनिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है कम्युनिटी बेस्ड का मतलब होता है कि जो कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या तो इनके पास या इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन दे डू नॉट वॉन्ट सेटअप वो किट सर्वर को डालना उसकी मेंटेनेंस करना उसका लाइसेंस लेना ये सब काम नहीं करना चाहती दे वॉन्ट रेडीमेड कि मुझे बस एक एक्सेस मिल जाए यू आर एल जहां मैं रेपोजिटरी बना के डेवलपर से बोलूं कि अपना कोड यहाँ सबमिट कर देना बस यानी आपको मालूम होगा क्लाउड के तीन मॉडल होते हैं आज के टाइम पर हमको आई टी का इंफ्रास्ट्रक्चर आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने तीन मॉडल में डिवाइड कर दिया है आई एस पेस मॉडल और सेस मॉडल एस पे कौन जाता है जिनको मशीन चाहिए नेटवर्क चाहिए स्टोरेज चाहिए पे कौन जाता है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज्यादा काम नहीं करना बना हुआ प्लेटफॉर्म दे दो बस और वी कैन रन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कुछ कंपनी ऐसी मार्केट में जो दे आर लुकिंग ओनली सॉफ्टवेयर की भाई ना तो आई ले सकते हम लोग ना प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते इवन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हम लोग हमको बना हुआ सॉफ्टवेयर दे दो बस उसको ब्राउजर से हम यूज कर पाए ओवर द इंटरनेट जैसे गूगल ड्राइव जी सर्विस बस इंटरनेट पे जाओ जी मेल लिखो जी मेल चल के आ गया बट जी को सेटअप तो किया गया में कहीं कहीं ना कही। किसी सिस्टम में डाला गया है पहले तो उसमें आई एस पैस हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन गूगल की कंपनी ने कहा डाला विंडोज के ऊपर लिनक्स के ऊपर कौन सा मेल डाला उसके अंदर एम टी वो उनकी टेंशन है हम तो बस उसको सॉफ्टवेज कर पा रहे हैं सेम गिट सर्वर का मार्केट में यही रोल है कि जो कंपनी आई एस पैस अपना सेटअप नहीं कर सकती गिट सर्वर वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की तरह गिट को परचेस कर सकते हैं तो कुछ कम्युनिटी हैं नाम सुना भी होगा आप गिट ने गिट लैव गिटलैब, बिटबकेट ये वो कम्युनिटी हैं दे आर प्रोवाइडिंग गिट सर्विस इन सेस फॉर्म सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस फॉर्म में आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम टूल चाहिए सो दे आर प्रोवाइडिंग ये कहते हैं कि आप बस क्या करो हमारे अपना डोमेन है क्लाउड होस्टेड सर्वर्स है लॉग इन कराओ कंपनी को अपना आई डी पासवर्ड साइन अप करो और इंस्टॉलेशन वगैरह करने की आपको नीड नहीं है अपना सॉफ्टवेयर बस डेवलप कर करके यू कैन राइट देयर ठीक है कुछ कंपनी इंटरप्राइज कंपनी जो होती हैं जहां सिक्योरिटी की बात आती है या रेपोडेटरी ज्यादा है इंटरप्राइज लेवल पे काम होता है तो जिनको लगता है कि नहीं यार कम्युनिटी बेस की कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है तो वो अपने हार्डवेयर के अंदर अपनी मैन पावर से बोल के खुद का गिट सेटअप कर सकते हैं जो मैं भी करके दिखाऊंगा उसको बोलते हैं कंपनी वेस्ट जहाँ आई एस आपका होगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना कंट्रोल में लेके आप लोग विंडो सिस्टम लेके या लिना सर्वर लेके उस पर गिट डालोगे तब अपने डेवलपर्स को साइनअप देना स्टार्ट कर दोगे उसके अंदर तो मैं दोनों ही करके आपको दिखाऊंगा पहले कुछ प्रैक्टिकल्स में वी विल यूज कम्युनिटी बेस्ट गिट सर्वर और देन लास्ट प्रैक्टिकल में वी विल कन्फिगर्ड ऑन User control, अपना कंट्रोल गिट डाल के भी हम देखेंगे इसके अंदर तो आई होप आपको मालूम चला होगा कम्युनिटी बेस का मतलब क्या है और control, git server कौन से होते हैं ठीक है उसके बाद गिट क्लाइंट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं खास ऐसा गिट क्लाइंट का मतलब वो लैपटॉप वो मशीन जहां से बैठ के हम लोग सर्वर को यूज करते हैं अपना कोड बनाने बना, बना के वहां डाल देते हैं ना उसे गिट क्लाइंट बोल देते हैं ये क्लाइंट मैक Mac मशीन हो सकता है विंडो सर्वर हो सकता है ये लिनैक्स सर्वर हो सकता है ये मैटर नहीं करता कि डेवलपर लैपटॉप में क्या यूज करता है सर्वर uh, से बात करने के लिए तो वो सब क्लाइंट में आते हैं हमारे केस में सर्वर भी हमारा होगा और क्लाइंट भी हम ही होंगे उसके अंदर मतलब कोड हम ही खुद थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे उसमें चेंज करेंगे ट्रैक करेंगे और हम ही कोड पुस्ट करेंगे तो दोनों रोल हम ही परफॉर्म कर रहे हैं इसमें ऑपरेशन भी और डेवलपर भी ठीक है कनेक्शन की बात करते हैं कि सर जो क्लाइंट होता है और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का कौन कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं गिट के अंदर तो गिट दो प्रोटोकॉल देता है फॉर कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में जनरली कंपनी एच यूज करती है बट एस एच बेस्ड भी कम्युनिकेशन हो जाता है राइट right, ना तो जिस डेवलपर के लैपटॉप से आप काम करोगे और अपना कोड जब पोस्ट करोगे ना ऑन सर्वर साइड तो बीच में कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो गिट गि बाइ डि एच ई रहता है और एस एस एच पे भी आप जा सकते हो बट इंडस्ट्री कंपनी हमेशा एच ई पी एस बेस काम करती है बट दे आर टू प्रोटोकॉल आपको पूछे इंटरव्यू में कि गिट क्लाइंट हाउ टू कम्युनिकेट गिट सर्वर सो देट बाचई डी पी एस या एस 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 बेस ऑथेंटिकेशन राइट ये था आपका तीसरा टर्म्स फोर्थ टर्म्स होता है गिट रेपोजेट्री मैं कोर्स में काफी टाइम बोलूंगा ये आपकी रेपोजेट्री है ये रेपोजेट्री है, है।, है मतलब कुछ भी नहीं काइंड ऑफ फोल्डर 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 क्या डायरेक्टरी होल्ड योर डेवलपमेंट डेटा जिस में बैठ के आप लोग फाइल बनाते हो फाइल को ट्रैक करते हो फाइल को लॉक कर देते हो वर्जनिंग कर देते हो फाइल की कि ये इसका वर्जन टू वर्जन हो गया तो वो जो फोल्डर है ना जिसमें पूरा डेवलपमेंट हो रहा है ट्रैकिंग हो रही है उस फोल्डर को इन टर्म्स ऑफ गिट लैंग्वेज हम फोल्डर नहीं बोलते वी कॉल रेपोजेट्री राइट, right? उसे बोलते हैं हम लोग रेपोजेटरी गिट में रेपोजेटरी लेकिन क्या होती है दो टाइप की होती है क्या ये गिट रेपोजेटरी दो टाइप की होती है एक तो रिमोट रेपोजेटरी और एक रेपोजेटरी क्या होती है लोकल रेपोजेटरी राइट रिमोट रेपोजेटरी को मैं सर्वर रेपोजेटरी बोल देता हूँ तो गलत नहीं है और लोकल को यू कैन कॉल क्लाइंट डायग्राम से बात करूं तो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ जैसे ये डेवलपर है तो ये डेवलपर लोकल मशीन में जब काम करेगा ना तो कोई फोल्डर में तो फाइल राइट करेगा अपने डेटा को लोकल में डेवलप करेगा यहाँ कोई फोल्डर बिल्डअप करेगा उसमें चेंज कोड में चेंज करेगा उसका वर्जन क्रिएट करेगा और फाइनली उस कोड को यहाँ सबमिट कर देगा तो जब तक कोड सिस्टम में था इसके में जिस फोल्डर में था वो लोकल रेपो थी और लोकल रेपो से जब कोड सबमिट किया गया तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई मास्टर रेपो या सर्वर रेपो कन्फिगर्ड है या रिमोट रेपो कन्फिगर्ड है तो रिमोट का मतलब होता है कि जब डेवलपर अपना कोड सबमिट कर देते हैं जिस रेपो के अंदर सर्वर रेपो के अंदर उसको रिमोट रेपो बोल दिया जाता है और जब तक वो कोड लोकल लैपटॉप में राइट करते रहते हैं बैठ के तो उसको बोलते हैं हम लोकल रेपोजेटरी ठीक है अब यही मतलब आता है डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर का गिट वर्क ऑन डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूट में क्या रहता है डेवलपर कैन वर्क ऑफलाइन मतलब गिट कहता है कि मैं ऑफलाइन भी काम कर सकता हूं लोकल रेपोजेटरी को 24/7 सर्वर रेपोजेटरी के साथ में कनेक्ट रे... कनेक्ट करने की आपको नीड नहीं है जैसे मेरा सर्वर ऑफलाइन सर्वर डाउन पड़ा हुआ है तो ऐसा मानो या सर्वर के साथ में मेरी कनेक्टिविटी नहीं है तो इन गिट गिट में डेवलपर दे कैन वर्क स्टिल ऑफलाइन वो अपने लोकल लैपटॉप में ही रेपोजेटरी क्लोन कर करके और वो लोकल सर्वर के बिना भी कोड राइट कर सकते हैं दे कैन क्रिएट रिस्टोर पॉइंट लोकली यहां सर्वर की नीड बस कब पड़ती है जब फाइनली कोड पुश करना होता है बस उतनी कैपेबिलिटी उट करके काम करने की नीड आपको नहीं पड़ती ट्वेंटी फोर सेवन कनेक्टेड रहने की आपको नीड नहीं है एक बार अपना डेटा कॉपी लोकल कॉपी कर लो डेवलपमेंट की फाइल सबको दे दो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो अब सर्वर का होना बाद में ना होना मैटर नहीं करता हाँ जब कोड सबमिट करना सबमिट कराओगे बाद में

राइट right? और जो डिस्ट्रीब्यूट पे आते हैं डिस्ट्रीब्यूट में डेवलपर जो क्लाइंट होता है वो भी एक्ट एज सर्वर राइट right? और दे कैन वर्क ऑफलाइन वो लोकल में रेप्रोजरी क्लोन करके फिर सर्वर के साथ में कनेक्टिविटी होना मैटर नहीं करता ऑल ऑपरेशन दे कैन परफॉर्म लोकल लैपटॉप इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर राइट right? तो बात हुई है कि रेपोजेटरी क्या होती है रिमोट रेपोजेटरी का मतलब क्या है और लोकल रेपोजरी का मतलब क्या है यहाँ एक डाउट रहता है आप लोगों का कि सर जितनी लोकल रेपोजेटरी होंगी क्या उसके रेस्पेक्टिव उतना रिमोट होगा हाँ एक लोकल के रेस्पेक्टिव एक रिमोट हो सकता है लेकिन एक रिमोट रेपोजेटरी में नंबर ऑफ लोकल रेपोजेटरी वाले बंदे काम कर सकते हैं उसको बोलते हैं सेयड प्रोजेक्ट जैसे मेरा जावा का प्रोजेक्ट है बट उसमें चार डेवलपर काम करते हैं बैठ के फोर डेवलपर दे आर वर्किंग ऑन सिंगल प्रोजेक्ट तो एक रिमोट रेपोजेटरी में चार डेवलपर लोकल से काम करके कोड कोडपोस्ट कर सकते हैं अपना कुछ मर्ज प्रॉब्लम आती हैं जो मैं आगे बात करूंगा कि प्रोजेक्ट में में क्या क्या फाइट आती इंडस्ट्री सर वो बताएं। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को लेकिन गिट अलाउ टू वर्क मल्टीपल यूजर्स इन सिंगल रेपोजेटरी एक रेपोजेटरी में मल्टीपल टीम के बंदे एक साथ काम कर सकते हैं पैरलि क्या चैलेंज आते हैं वो मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं आपको राइट right? तो एक क्लाइंट एक एक लोकल के अगेंस्ट रिमोट हो सकता है चलेगा मल्टीपल लोकल के अगेंस्ट भी एक रिमोट हो सकता है ये माइंड आपको सेट करना है जो प्रैक्टिकल हम भी देखें ठीक है तो जब भी मैं आपसे बोलूं ये लोकल रेपोजेक्ट्री है समझ जाना डेवलपर साइड है जब मैं बोलूं ये सर्वर रेपोजेट्री है समझ जाना कि ये गिठअप सर्वर साइड है बेसिकली जहां कोड को पुश करना होता है हमें जहां से कोड आगे प्रोसीड होता है फॉर टेस्टिंग पर्प उसके बाद फिफ्थ टर्म्स आता है गेट कमिट कमिट का मतलब होता है इट्स एन लॉजिकल पॉइंट ऑफ योर चेंजेस लॉजिकल पॉइंट ऑफ योर चेंजेस मैंने बोला था कि डेवलपर ने काम कर लिया काम करने के बाद उसको लगता है काम हो गया नाउ वी वांट क्रिएट रिस्टोर पॉइंट यहां तक कभी हमें जाना होगा इसके बाद तो इसको हम लोग इस आईडी से वी कैन एक्सप्लोर तो डेवलपर जब भी काम खत्म कर देते हैं अपना और कोड पुश करना होता है उन्हें सो दे मेक कमिट विदाउट की आप कोड पुश नहीं कर सकते जब तक आप बताओगे नहीं कि कोड डन हो गया ये वी कैन पुश द कोड तो रेपोजेटरी होती है रेपोजेट्री के अंदर कमिट होते हैं फिर कमिट क्या है चेंजेस की हिस्ट्री एक चेंज की हिस्ट्री दो चेंज की हिस्ट्री सो इन अ सिंगल रेपोजेट्री देर है मल्टीपल कमिट आई डी देर इज नो लिमिटेशन जितनी बार चेंज करोगे उतना कमिट कर सकते हो और कमिट के बेस पर हम अपने कोड को रीसेट कर सकते हैं कमिट के बेस पर ट्रैक कर सकते हैं कमिट के बेस पर कोड किसने चेंज किया कोई फाइल लॉस हो गई एक फाइल पूरे प्रोजेक्ट में कब से इन्वॉल्व हुई है हम कमिट आईडी से ही पूरा ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है इसका बिना कमिट आईडी के कुछ नहीं कर सकते आप राइट तो वो कमिट आईडी क्या होती है कैसे बनती है आगे प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे उसके बाद टर्म्स आता है गिट ब्रांच ठीक है ब्रांचिंग सिस्टम को प्रैक्टिकल समझ में ज्यादा आएगा लेकिन सुन लो अभी एक रेपोजेटरी में फर्दर होती ब्रांचिंग ब्रांचिंग बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे मेरा रेपोजेट्री अपाचे का था वी आर डूइंग डेवलपमेंट और अपाचे सॉफ्टवेयर बट अपाचे में भी क्या होता है सर मेजर रिलीज आते रहते हैं अपाचे वन या वन 3.0, 4.0. अब एक रेपोजेट्री में मेजर रिलीज चार हो गए पाचे के अब नाउ आई वांट आइसोलेटेड सॉफ्टवेयर चेंजेस बेस्ड ऑन द रिलीज. राइट अब मैं चाहता क्या हूं कि रेपोजेटरी में भी सर एक काम कर दो फर्दर और थोड़ा सा आइसोलेशन दे दो मुझे कि जब भी मुझे 1.0 देखना होगा ना तो उसके अलग कमेंट मिल जाए जब मुझे टू पॉइंट जीरो देखना होगा तो उसके अलग कमिट मिलने चाहिए क्योंकि कमिट सर एक ही कमिट चलते रहे चलते रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि कमिट बहुत ज्यादा हो जाएंगे अब यह नहीं पता पड़ेगा हमको कि टू पॉइंट जीरो वाला कमिट कौन सा था वन पॉइंट जीरो वाला कौन सा था तो चेंजेस की हिस्ट्री बहुत बड़ी हो जाती है फिर राइट या किसी किसी कंपनी ने हमसे बोला कि हमें सिर्फ खाली बस अपने कोड में वन वाले फीचर दे दो बाकी सब मत दो अब लेकिन ये कैसे अलग करेंगे हम लोग फीचर्स को फिर कि 1.0 में जो चेंज थी खाली बस वो इनको दे दो तो ब्रांचिंग कहता है कि मेरा काम यही है एक रेपोजेटरी में ब्रांच बेसिकली डज आइसोलेशन बेस्ड ऑन द रिलीज या मेजर चेंजेस राइट तो गिट में जब भी काम होता है ना सो वी वर्क ऑलवेज इन द ब्रांच ब्रांच आने से मैनेजमेंट थोड़ा सा और इजी हो जाता है गिट के अंदर राइट इसको प्रैक्टिकल और समझेंगे। मैंने जैसे बोला अपाचे, एक का नाम हो गया। अब में में पहले आया, so we created ब्रांच। फिर मार्केट में, तो के लिए we make some new features in तो आज भी अगर अगर हमको जीरो चाहिए ना तो जल्दी से हम लोग एक ब्रांच स्विच करके ना पूरा कोड वन पॉइंट जीरो पे देख सकते हैं अपना कि पे ये था अब टू पॉइंट जीरो में ये ऐड किया है बस

फर्दर जैसे मैं आपसे बोलूं हार्ड ड्राइव में अगर पार्टीशन सिस्टम अवेलेबल नहीं होता ना तो एक हार्ड डिस्क एक ही पार्टीशन तो प्रॉब्लम क्या आती हम डेटा को कैटेगराइज नहीं कर पाते फिर मूवीज का डेटा सॉन्ग्स का डेटा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हमारे लिए तो पार्टीशन क्या कहता है कि हार्ड डिस्क एक होगी बट उसमें यू कैन क्रिएट मल्टीपल पार्टीशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम अलग कर दो सी ड्राइव अलग कर दिया डी ड्राइव अलग कर दिया तो इट्स अट लगता क्या है हमको कि हमारे पास चार डिस्क अलग से आ गई क्या जबकि समवेयर डिस्क एक ही है बट लॉजिकल वी आर आइसोलेटेड थ्रू पार्टीशन सेम कहता है ब्रांच सिस्टम इन गिट रिपोजिटरी जो प्रैक्टिकल आगे देखेंगे हालांकि एक ब्रांच जब गिट में हम काम करते हैं तो पूछा जाता है कि डिफॉल्ट ब्रांच क्या बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर यस yes. एक मास्टर नाम की ब्रांच गिट में अगर आप बनाओगे भी नहीं तो ऑटोमेटिकली गिट रिपोजिटरी जब बनाते हैं हम लोग तो ये इसका डिफॉल्ट प्रिंसिपल है पहली ब्रांच मास्टर नाम से अपना बन जाती है बिना ब्रांच की आप काम नहीं कर सकते राइट right? तो ये था कि आप ब्रांच कैसे बनाएंगे कैसे इसको यूज करेंगे प्रैक्टिकल आगे देखने वाले सेवन स्टेप सेवन पॉइंट है स्टेजिंग का मतलब क्या होता है रेपोजेटरी में ना दो डेटा की दो स्टेट होती हैं, एक स्टेजिंग फाइल एक नॉन स्टेजिंग फाइल स्टेजिंग का मतलब होता है जो डेटा गिट में आ चुका है गिट ने उसके ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है फोल्डर में, तो जो जो में, में, में तो है लेकिन उसके ऊपर ट्रैकिंग मोड स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक ट्रैकिंग मोड स्टार्ट करने की कमांड होती है कुछ बताऊंगा प्रैक्टिकली लेकिन समझ जाना कि जो डेटा ट्रैकिंग मोड में नहीं आया वो डेटा लॉस कर दिया ना आपने तो उसको रिकवर नहीं कर सकते फिर डेटा वही रिकवर हो सकता है डेटा वही रीडू हो सकता है जो ट्रैकिंग मोड में था गिट के अंदर तो ट्रैकिंग स्टेज को बोलते हैं ट्रैकिंग फाइल है तो नॉन ट्रैक का मतलब नॉन स्टेजिंग एरिया और ट्रैक का मतलब स्टेजिंग एरिया था डेटा जो गिट के स्टेजिंग में आ चुका है राइट right? तो ये benefits, ये कुछ ऐसे लॉजिकल पॉइंट्स हैं कुछ लॉजिकल टर्म्स हैं जो मैं कोर्स में बार बार यूज करने वाला हूं जिसको मैंने क्या नाम दिया है राइट right? तो आज ट्रेनिंग का पहला दिन था और थोड़ा सा आपको मैंने आज इंट्रोड्यूस कर दिया है ट्रेनिंग के बारे में हालांकि टू आवर्स का कमिटमेंट हुआ है लेकिन आज मैं कुछ थोड़ा मुझे अर्जेंसी है तो मैं आज इसको यहीं पे रोकू क्लास को कल से हम लोग वन एंड हाफ आवर्स या टू आवर्स डिपेंड करता है कितना कंटेंट बाइंड अप हो गया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बाइंड अप करेंगे ठीक है सो so, अभी आप लोग कुछ क्वेरीज हैं आपकी तो आप चैट पे डाल सकते हो टीम उसका आंसर दे रही है वैसे तो फिर भी मैं एक बार आपकी क्वेरी देख लेता हूँ बाकी हम कल फिर आठ बजे से इस ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग ठीक है थैंक यू

तो रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग ज्वाइन करो तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बना रहेगा उससे और इंटरेस्ट आता पढ़ाने में भी ठीक है काफी लोग सोचते हैं यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी है बाद में पढ़ सकते हैं वहां से तो थोड़ा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर मेरा भी वहां से ये रिक्वेस्ट है कंट्री ऑफ डेली सेशन ज्वाइन करो मजा आता है पढ़ाने में ठीक है ओके डेव्स इज अ मैथडलॉजी फैज डेवॉप्स हाँ एक प्रोसेस का नाम भी बोल सकते हो आप लोग मैथडलॉजी अजाइल से वाटरफॉल और एक डेवॉप्स राइट right? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लाइन हो गई बट अकॉर्डिंग मी इट सिंपल प्रोफाइल नथिंग इज ठीक है आईटी टी एनसीबल की तरह इसको भी मत छोड़ देना दोबारा बोल रहा हूँ एनसीपल के रिमेनिंग सेशन कोर्स पढ़ा हुआ है नेटवर्क क्लाउड का पोर्टल है वहां पढ़ा हुआ है राइट ठीक है भाइयों तो फिर कल मिलते हैं हम लोग आठ बजे ना थैंक यू